धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह उस समय की बात है जब हम करनाल में रहते थे। एक रात हम कमरे में सोए हुए थे, अचानक मुझे परमपिता जी ने हाथ पकड़कर उठाया और कहा कि नीचे जाकर देख, तेरी कार को चोर चुरा कर ले जा रहे हैं। इसके बाद परमपिता जी अदृश्य हो गए। मैंने उसी समय अपने डैडी को उठाया और नीचे जाकर देखा तो कार के ऊपर दिया हुआ कपड़ा नीचे गिरा हुआ है और कार के ताले को खोलने की कोशिश की गई थी। इस प्रकार परमपिता जी ने मुझे उठाकर हमारी कार को चोरी होने से बचाया। दवाई का बहाना रहमत का खजाना। हमारे पड़ोस में रहने वाली एक बहन बिमला देवी ने एक दिन मुझे कहा कि मेरी लड़की बहुत बीमार रहती है, कई डॉक्टरों से इलाज करवाया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर मैंने कहा कि इसको आश्रम में लेकर जाओ, शायद संतों के आशीर्वाद से ही ठीक हो जाए। मैं उस लड़की को आश्रम में ले गया। उसने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन किए। परमपिता जी ने उन पर अपनी पावन दृष्टि डाली और पूछा, यह लड़की कौन है? मैंने कहा कि पिताजी, हमारे पड़ोस में रहती है, यह लड़की बहुत बीमार रहती है, कोई दवाई नहीं लगती। शहनशाह जी ने फरमाया, इसे राम प्यारी से दवाई दिलवा दो। परम पिता जी के हुक्मानुसार हम राम प्यारी से दवाई लेने गए। राम प्यारी ने कुछ गोलियां दी और सुमरण करके खाने के लिए कहा। लड़की ने उसी तरह वे गोलियां खाईं और कुछ दिनों के बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई, बीमारी से छुटकारा। बेरोजगार होने के कारण मैं मानसिक रूप से परेशान रहता था। मैंने एक सत्संगी के साथ जाकर डेरा सच्चा सौदा से नाम शब्द ले लिया। परम पिता जी के वचनानुसार कुछ दिन लगातार सुमरण करने से मेरी मानसिक परेशानी ठीक हो गई और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। थोड़े दिन बाद मुझे गांव वालों ने चौपाल में बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिया। परम पिता जी से मैंने सेवा के लिए अरदास की तो मुझे आश्रम की सेवा तथा गांव में नाम चर्चा करवाने की सेवा भी मिल गई। सन 1985 में परम पिता जी का बड़ौत शहर के पास गांव बिजरौल में सत्संग था। उस समय मेरा पुत्र संत राम, जो एक वर्ष का था, 8 दिन से बहुत बीमार था। उसे टट्टी पेशाब का बंद लग गया था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने दिल्ली ले जाने के लिए कह दिया था। उस दिन मैं और मेरी पत्नी बहुत ही दुखी थे। हमारे पास दिल्ली ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज बिजरौल गांव में सत्संग कर रहे थे। हमने विचार किया कि हमारे तो सबसे बड़े डॉक्टर परमपिता जी ही हैं, हम अपने पुत्र को उनके पास ले जाएं। सत्संग की समाप्ति के बाद मैंने परमपिता जी से अपने लड़के की बीमारी के बारे में बात की तो परमपिता जी ने वचन फरमाया, सुमरण करो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वचनानुसार हमने सुमरण किया और लड़के की बीमारी में धीरे धीरे सुधार होने लगा और थोड़े दिनों में ही बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इस प्रकार परम पिताजी की रहमत से हमारे बच्चे की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। भूत प्रेत की छाया। सन 1988 में मैं कमरवा पेट दर्द से पीड़ित था। बहुत इलाज करवाया परंतु कोई आराम नहीं आया। परिवार वालों को यह भ्रम हो गया कि मुझ पर भूत प्रेत की छाया पड़ गई है, इसलिए वे भूत प्रेत निकालने वाले पखंडियों के पास ले गए। लेकिन मेरी हालत बहुत बिगड़ती गई। एक दिन अचानक डेरा सच्चा सौदा के एक सेवादार से मेरी भेंट हुई। उसने परम पिताजी की एक फोटो मुझे दी और हौसला देते हुए कहा, यह स्वरूप
अपनी जेब में रख ले, जब दिल करे दर्शन कर लिया करना। 10-12 दिन में परम पिता जी बरनावा आएंगे, तुम हमारे साथ सत्संग में चलना। तब तक धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा बोलते रहना। मैंने पवित्र नारे को याद किया और लगातार जाप करता रहा। कुछ दिनों के बाद मैं बरनावा सत्संग में परम पिता जी के दर्शन पाकर खुशी से झूम उठा। नाम दान प्राप्त करके शहनशाह जी की शरण में आकर मैं भय मुक्त हो गया और शारीरिक बीमारी से भी छुटकारा मिल गया। टांग मत कटवाना, मेरी टांग में एक ऐसा रोग लग गया कि मुझे दूसरे या तीसरे दिन घुटने के ऊपर से चीरा लगवा कर रेशा निकलवाना पड़ता था। इस बीमारी के कारण मेरी टांग के 3 ऑपरेशन भी हो चुके थे। मैंने दिल्ली और जयपुर के बड़े बड़े अस्पतालों में उपचार करवाया। उन डॉक्टरों की राय थी कि टांग कटवानी पड़ेगी, नहीं तो यह रोग शरीर के बाकी भाग में भी फैल सकता है। परंतु मेरे माता पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। समा बीतता गया। सन 1980 में एक दिन गांव रेहड़ियां वाली मुक्सर में परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का सत्संग था। मेरे बापू जी के साथ मैं भी सत्संग सुनने गई और स्टेज के पास ही बैठ गई। उस समय मैं टांग की पीड़ा से बहुत दुखी थी। सत्संग के उपरांत पूजा परम पिता जी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों से मिले। मेरे बापू जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए परम पिता जी को मेरे रोग के बारे में सारी बात कह सुनाई और पूछा कि पिताजी बताएं कि टांग कटवाएं या ना कटवाएं। इस पर सतगुरु जी ने वचन फरमाए, बेटा सेवा व सुमरण करो, टांग मत कटवाना। मैं अपने सतगुरु परम पिता जी के वचनानुसार थोड़ी बहुत सेवा व सुमरण करती रही। कुछ ही दिनों में मेरी टांग ठीक हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि रोग कब चला गया। मैं अपने सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के उपकारों का बदला जन्मों जन्मों तक चुका नहीं सकती। खरोंच तक नहीं आई, यह बात दिसंबर 1994 की है। मैं बस में सवार होकर राजपुरा से खन्ना अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। मैं बस में आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था और सुमरण कर रहा था। तभी परम पिताजी ने मुझे ख्याल दिया कि बस में पीछे वाली सीट पर जाकर बैठो। फिर मैं वहां से उठकर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अभी बस 8-10 किलोमीटर ही गई थी कि बस का एक्सीडेंट हो गया। मैंने देखा कि आगे वाली सीट जिस पर मैं बैठा हुआ था, उस पर जो आदमी बैठा था उसकी मौत हो गई है। बस में अन्य सवारियों को भी काफ़ी चोटें आईं, लेकिन मुझे परम पिताजी की रहमत से खरोंच तक नहीं आई। इस प्रकार परम पिताजी ने आगे वाली सीट से उठाकर मुझे मौत जैसे भयानक कर्म से बचाया। इसी तरह एक बार मैं ट्रैक्टर चला रहा था, रास्ते में मुझे नींद आ गई और हैरानी की बात यह है कि ट्रैक्टर लगभग 3 किलोमीटर अपने आप लिंक रोड पर चलता गया। इसके बाद मुझे परम पिताजी ने दर्शन दिए और मुझे पकड़कर हिलाया। मेरी आंखें खुली तो मैंने ट्रैक्टर को संभाला। मैंने देखा कि तेल वाले टैंक का ढक्कन खुला हुआ था और मेरे कपड़े तेल से लथपथ थे। सड़क के दोनों ओर गहरे गड्ढे थे। यदि ट्रैक्टर गड्ढों में गिर जाता तो अनर्थ हो सकता था। इस प्रकार परम पिताजी ने मुझे नींद से जगाकर मेरी रक्षा की। खून का ग्रुप मिला। मेरी माता लंबे समय से बीमार थी, उसके शरीर में खून नहीं बनता था, उसे तिल्ली की बीमारी थी। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वह ज़्यादा बीमार हो गई तो उसे फरीदकोट के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टरों ने उसकी स्वास्थ्य जांच की
और बताया कि इसे खून की सख्त ज़रूरत है, यदि समय पर खून नहीं मिला तो इसका बचना मुश्किल है। उस समय अपनी माता जी के पास मैं अकेला ही था और मेरी आयु 14 वर्ष की थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा खून ले लो, लेकिन डॉक्टर ने मेरी कम उम्र होने के कारण खून लेने से इनकार कर दिया। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरे अंदर तरह तरह के विचार उठने लगे। मैंने मन ही मन परम पिताजी से अर्ज की कि पिताजी, आप जी तो सर्व समर्थ हो, आप जी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप जी मेरी माता जी के लिए खून की व्यवस्था करो, जिससे मेरी माता जी के प्राण बच जाएं। अभी मैं परम पिताजी से प्रार्थना कर ही रहा था कि एक नौजवान अपने वृद्ध बाप को लेकर वहां आया। मुझे रोते हुए देखकर पूछने लगा, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? तब मैंने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। उसने मुझे धैर्य बंधाते हुए कहा कि अब मैं आ गया हूँ, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी माँ को अब कुछ नहीं होगा। मेरा धैर्य बंधा कर उसने डॉक्टर से खून की पड़ताल शुरू की, लेकिन मेरी माता के ग्रुप का खून नहीं मिला। तब उस नौजवान ने कहा कि मेरा खून चेक करो। परम पिताजी की रहमत से उसके खून का ग्रुप मेरी माता के खून के ग्रुप से मिल गया। तब डॉक्टरों ने उसका खून लेकर मेरी माता जी को चढ़ा दिया। कुछ समय बाद ही मेरी माता के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरी माता की जान को कोई खतरा नहीं है। परम पिताजी ने मेरी अरदास को स्वीकार कर लिया। मैंने अपने सतगुरु का लाख लाख धन्यवाद किया। कुछ समय बाद ही वह व्यक्ति अपने वृद्ध बाप को लेकर वापस जाने लगा और उसने बताया कि उसके बाप की रिपोर्ट बिल्कुल सही है तथा वह बिल्कुल स्वस्थ है। तब मुझे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं थे। रिकॉर्ड की जांच, यह बात सन 1977 की है। मैं हरियाणा राज्य के लघु सिंचाई ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में नहरी पटवारी के पद पर नियुक्त था। एक बार चंडीगढ़ से उच्च अधिकारियों ने हमारे कार्यालय की चेकिंग के लिए आना था। उसी दौरान सरसा आश्रम में मासिक सत्संग भी था। मैं बहुत उलझन में था। एक ओर तो प्यारे सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शनों की चाह मन में हिलोरे ले रही थी और दूसरी ओर नौकरी का भी ख्याल था। अत मैंने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया, जिसे नामंजूर कर दिया गया। सत्संग का दिन नज़दीक होने के कारण मैं छुट्टी की परवाह ना करते हुए अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए आश्रम में पहुंच गया। सत्संग में अपने मुर्शद प्यारे को सामने देखकर व उनके अनमोल वचनों को सुनकर मैं इतना भाव विभोर हो गया कि कार्यालय में चल रही जांच का मुझे तनिक भर भी एहसास ना रहा। सत्संग के उपरांत मैं जब वापस कार्यालय पहुंचा तो मुझे पता चला कि उच्च अधिकारियों ने मेरे कार्य की बहुत प्रशंसा की। मैंने अपने साथी से पूछा कि अधिकारियों ने मेरी गैर हाजिरी के बारे में कुछ कहा था। वह हंसने लगा और कहने लगा, तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तूने ही तो सारे रिकॉर्ड की जांच करवाई थी और उच्च अधिकारियों को स्वयं ही जलपान आदि करवाया था। उसकी बातों को सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया, क्योंकि इस सच्चाई को सिर्फ मैं और मेरे सतगुरु ही जानते थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि परम पिताजी ने मेरे ऊपर रहमत करके मेरी जगह स्वयं उपस्थित होकर रिकॉर्ड की जांच करवाई। मेरी आंखें सतगुरु की अपार रहमत के कारण आंसुओं से भीग गई। मैंने परम पिताजी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।